ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े उल्लास के साथ क्रिसमस मनाते हैं। और न केवल हम लोग बल्कि जो भी हमारे धर्म को जानते हैं और हमारे प्रति उनका अच्छा संबंध है, वे सभी क्रिसमस को मनाते हैं। क्रिसमस में हम प्रभु येसु ख्रिस्त के जन्म को मनाते हैं। प्रभु येसु ख्रिस्त जो ईश्वर का बेटा है, जो इस धरती पर शरीर धारण करता है, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया और पाप से मुक्ति पाना मनुष्य के लिए मुश्किल था, और इसलिए हमारे प्रभु इस संसार में आते हैं ताकि वे हमारे पापों का बदला चुका सकें और हमें पुनः ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करें। तो इसमें हमें ये सोचना है कि ईश्वर जो हमारा पिता है, जो हमारा सृष्टिकर्ता है, वह हमारी देखभाल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें सही मार्ग पर लेना चाहता है। लेकिन मनुष्य ने ईश्वर के विरुद्ध काम किया, उसकी आज्ञा को उन्हें नहीं माना, और इसलिए अगर ईश्वर चाहता तो मनुष्य को नष्ट कर सकता था, मनुष्य को भस्म कर सकता था, लेकिन ईश्वर के हृदय में करुणा कूट कूट कर भरी हुई है और इसलिए उसने मनुष्य को क्षमा करने का मतलब बांधा और उसने अपने पुत्र को संसार में भेजने के लिए तैयार किया। और उसका पुत्र जो मनुष्य को प्यार करता है, उसने भी मनुष्य बनने के लिए स्वीकार किया और उसने शरीर धारण किया। यह बहुत बड़ा रहस्य है, ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम का साक्ष्य है कि हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त इस धरती पर आते हैं और वे ऐसी जगह में पैदा होते हैं जहाँ पर गरीबी है, निर्धनता झलकती है। वे गौशाला में पैदा होते हैं, जानवरों के बीच, गंदगी के बीच, ना खिड़की दरवाजे हैं वहाँ। गौशाला, आप जानते हैं गौशाला कैसा होता है। और इसी परिस्थिति में मरियम ने अपने पालौटे बेटे को जन्म दिया और ईश्वर ने सब कुछ को स्वीकार किया जानबूझकर, क्योंकि ईश्वर के हृदय में दीन दुखियों के प्रति, गरीबों के प्रति, जो सताए जाते हैं उनके प्रति अधिक प्यार है। वे उन्हें अधिक सांत्वना देना चाहते हैं। मानो आज भी वे कह रहे हैं, देखो मैं गरीबों को कितना प्यार करता हूँ कि मैं उनके बीच में जन्म ले रहा हूँ। हम देखते हैं चरनी में हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त लेटे रहते हैं, वहाँ जोसेफ है, मरियम है, जानवर हैं। ये प्रतीक हैं, चरनी एक प्रतीक है उस गौशाले का। और जब हम इस पर मनन ध्यान करते हैं तो हमें ईश्वर की करुणा, ईश्वर की क्षमा, ईश्वर की दया आदि आदि हमारे मन में तैरते हैं और हम जानते हैं कि ईश्वर सचमुच में कितना भला है और उस भले ईश्वर की हम महिमा करते हैं, भले ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। साथ साथ हम हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त को भी धन्यवाद देते हैं। इसके साथ साथ हमें एक शिक्षा और मिलती है कि ईश्वर ने मनुष्य जाति के प्यार के लिए अपने पुत्र को संसार के लिए संपूर्ण रूप से दे दिया और हमारे प्रभु येसु ख्रिस्त ने भी मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य की मुक्ति के लिए, उनके पापों की क्षमा के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से मनुष्य के लिए दे दिया, जिसे हम प्रभु के जीवन में देखते हैं उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमें भी एक दूसरे के प्रति वही प्रेम होना चाहिए, वही सौहार्द होना चाहिए, वही सेवा की भावना होनी चाहिए, वही स्वीकृति होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति। एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध रखना है,
एक दूसरे के साथ शांति रखनी है, और विशेषकर जो गरीब हैं, दीन हैं, दुखी हैं, जिन्हें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, उन्हें हमें सहायता करनी है, तभी क्रिसमस सही माने में क्रिसमस कहलाएगा। नहीं तो क्रिसमस आएगा, हम ऊपरी ऊपरी सतह से उसे त्यौहार मनाएंगे और चला जाएगा। इससे ना तो आध्यात्मिक फायदा होगा, ना हमारे व्यक्तित्व के लिए आगे के लिए फायदा होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्रिसमस का जो रहस्य है, अर्थात प्रभु के प्रेम का, प्रभु की करुणा का, उस पर गहराई से विचार करें, मनन ध्यान करें, और फिर सोचें कि जिस ईश्वर ने मनुष्य की खातिर, मनुष्य के प्रेम की खातिर अपने आप को समर्पित किया, तो हम सब का भी कर्तव्य बनता है कि हम एक ओर तो ईश्वर पर आस्था रखें, विश्वास करें, और दूसरी ओर मनुष्य जो गरीब हैं उनकी सेवा करें, अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करें। क्योंकि हमारे प्रभु ने कहा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे को प्यार करो। मैं पुनः आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएँ देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आपका नया वर्ष भी आनंदमय रहे, सुखमय रहे और प्रगतिशील रहे। धन्यवाद।